सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को, जिससे आप हमारे वीडियो से संबंधित जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह तोमर एक बार फिर आपका ए टू जेड के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आज सुबह की शिफ्ट पटवारी की एग्जाम के क्वेश्चन। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 2016 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो मित्रों इसका उत्तर है टीएम कृष्णा एवं बेजवाड़ा विल्सन को। टीएम कृष्णा एक संगीतकार हैं, बेजवाड़ा विल्सन इन्होंने सफाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, इसके लिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई? तो मित्रों राजीव गांधी की मृत्यु श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर राजीव गांधी की मृत्यु हुई। 1988 में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो मित्रों इसका आंसर है दिलीप वेंगसरकर। देखिए मित्रों ये प्रश्न मुझे और कहीं समझ में नहीं आया कि आया होगा, पर मेरे एक स्टूडेंट है उन्होंने बताया है कि ये क्वेश्चन आया है, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। एक्चुअली क्रिकेट संबंधित दो क्वेश्चन आए हैं आज, इसीलिए आप क्रिकेट से संबंधित कौन कप्तान कब रहा, कब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, कब कौन सा कप जीता, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला प्रश्न योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर मित्रों 21 जून, 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अगला प्रश्न बलवंत राय मेहता का संगठन कब पास किया गया था? ये मित्रों मेरे स्टूडेंट ने बताया उस रूप में मैंने लिख दिया है, अगर ये इस रूप में भी दिया है या ये लिखा हो कब गठन हुआ था तो भी इसका आंसर है 1957 ही रहेगा, यही ऐसा लिखा हो या कुछ और। अगला प्रश्न देवास में कौन सी पहाड़ी है? तो ये मित्रों मैंने पूछा है तो कुछ इसमें विशेष मिला नहीं है कौन सी पहाड़ी है, तो चामुंडा देवी का मंदिर है तो चामुंडा देवी पहाड़ी के नाम से जानते हैं इसको। अगला प्रश्न इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये मित्रों गलत छप गया है इसमें, इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय ये अमरकंटक में है, वही कवई टाइप हो गया है, अमरकंटक में है इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अनूपपुर जिले में। तो इसका आंसर आप ध्यान रखें अमरकंटक भी हो सकता था ऑप्शन में या अनूपपुर भी हो सकता था, ऑप्शन में एक्चुअली क्या था मुझे ज्ञात नहीं है, शायद अनूपपुर था। तो इंदिरा गांधी आदिवासी विद्यालय अनूपपुर में अमरकंटक में स्थित है। मिशन आकांक्षा किस जिले में प्रारंभ किया गया? तो मित्रों मिशन आकांक्षा सबसे पहले डिंडोरी में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध नेल आर्टिस्ट कौन है? इसका आंसर है बाजिद खान। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में पूछ रहा है, पर अब खास बात यह है कि कल उन्होंने मध्य प्रदेश के नहीं पर बिस्मिल्ला खान के बारे में पूछा था अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, आज उन्होंने मध्य प्रदेश के ये अपने क्षेत्र में इनका नाम है परंतु लोग ज़्यादा नहीं जानते, तो छुपे हुए जो आर्टिस्ट हैं या जो कम प्रसिद्ध हैं कम लोग जानते हैं उनको भी आप अगर मिलते हैं तो आप उनको याद रखें। अगला प्रश्न है भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता? तो क्रिकेट विश्व कप पहला 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। अगला प्रश्न दमोह में पहाड़ी पर बना किला कहाँ स्थित है? तो मित्रों ये पहाड़ी पर सिंगोरगढ़ का किला है, सिंगोरगढ़ का किला है, सिंगोरगढ़ में स्थित है। NBFC का पूरा नाम क्या है? तो NBFC का पूरा नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अगला प्रश्न राष्ट्रीय दुग्ध बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो मित्रों इसका उत्तर है 1965 में आणंद में, गुजरात में आणंद में प्रारंभ हुई राष्ट्रीय दुग्ध बोर्ड। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में गन्ना अधिनियम को कब स्वीकृति मिली? तो मित्रों मध्य प्रदेश में गन्ना अधिनियम को 1958 में, 1958 में मध्य प्रदेश गन्ना अधिनियम आया तब स्वीकृति मिली। अगला प्रश्न उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? उत्तर विदिशा। कल पांडव की गुफाएं पूछा था पचमढ़ी, मित्रों पांडव की गुफाएं पचमढ़ी, बाघ की गुफाएं धार में, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में, भरतहरी की गुफाएं उज्जैन में, ये आप याद रखें सब। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मित्रों इसमें भी गलती से गलत टाइप हो गया है, ये 1930 में मिला सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार, सन 1930 में प्राप्त हुआ
आप याद रखेंगे, कल भी आया था एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रिपीट हैं। अगला है, रतलाम किन दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों रतलाम अंगूर एवं सेब के लिए प्रसिद्ध है, अंगूर के लिए प्रसिद्ध है, अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में स्थित है। इसके अलावा सेब, ये रतलामी सेब जो नमकीन वाले सेब होते हैं, ये रतलामी सेब बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें ऑप्शन मुझे मालूम नहीं क्या है, पर ये दो चीज़ें यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं, अब ऑप्शन में जो था उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मित्र मध्य प्रदेश का एकमात्र जो एक राष्ट्रीय उद्यान है पर वो पेंच, ये मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और महाराष्ट्र में भी पड़ता है। अब अभयारण्य दिया है तो शायद अभयारण्य का ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जरूर है। तो मित्रों आज मैं कम क्वेश्चन लेके आया, मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाया, समय भी नहीं मिल पाया, पर मेरा प्रयास था कि आपके लिए कुछ ना कुछ प्रश्न मैं लेके आऊँ। और वीडियो आप देखते रहें। देखिए मित्रों, अभी से एक दो घंटे बाद कल शाम को जो परीक्षा हुई थी, कल शाम को 19 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट की एग्ज़ाम थी, उसके क्वेश्चन भी मैंने तैयार किए हुए हैं, एक दो घंटे में उसका वीडियो भी तैयार हो जाएगा। तो कल शाम के क्वेश्चनों को, क्वेश्चन के लिए जिसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, आप देखते रहें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब और करते रहें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।